दिल्ली में हरियाणा की नई सरकार को लेकर आज हलचल तेज नजर आ रही है। आपको बताते चले कि कार्यवाहक सीएम नायब सैनी की हाई कमान से मुलाकात हुई है। आज बताते चले कि राजधानी दिल्ली पर है कार्यवाहक नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से आज मिलने के लिए भी पहुंचे। इससे पहले कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी साथ में मौजूद हैं। तो आज दिल्ली के दौरे पर हैं, दिल्ली में आज कई बड़े दिग्गज चेहरों से मुलाकात करते हुए नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, इससे पहले की मुलाकात प्रधानमंत्री से करते हुए नजर आए थे नायब सैनी, और अब जेपी नड्डा से मुलाकात, क्या अपडेट? देखिए, नायब सैनी दिल्ली दौरे पर हैं और लगातार जो मुलाकातें हैं वो चलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात की बात की जाए तो इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ौली वो भी मौजूद है। इसके अलावा सुनील बंसल जो है मौजूद देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। महासचिव अरुण सिंह जो है जेपी नड्डा की आवाज पर मौजूद है और ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है शपथ ग्रहण समारोह के लिहाज से। इसके साथ साथ जो मंत्रिमंडल में जो शामिल होने वाले नए चेहरे हैं उनके लिहाज से, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण मुलाकात जो है इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह किस दिन होता हुआ नजर आएगा उसको लेकर मोहर लगती हुई नजर आ सकती है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, पोर्टफोलियो किन किन को क्या क्या मिलते हुए नजर आएंगे, ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री लगातार बैठकें करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। स्पर्श, मुख्यमंत्री का एक बयान भी सामने आया था कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा, लेकिन इससे पहले कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से चुनाव से पहले ये तय कर दिया गया था कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, क्या अपडेट इसको लेकर के? देखिए, बीजेपी हमेशा जो राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ती हुई नजर आती है, या फिर जो मुख्यमंत्री हटाए जाते हैं उनको लेकर जो है किस प्रकार की स्थिति होती है वो जो स्थिति स्पष्ट करती हुई नजर आती है। लेकिन अभी चूंकि आलाकमान के पक्ष में पूरी तरीके से बॉल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, इसलिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से कहा गया कि जो भी फैसला लेना है वो आलाकमान लेता हुआ जो है नजर आएगा। क्योंकि अगर हम हरियाणा की जीत की बात करते हैं तो काफी महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय आलाकमान की जो है देखने को मिलती हुई नजर आई है। जिस तरीके से टिकट वितरण यहाँ पर होता नजर आया था, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने सराहा, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से बहुमत के साथ में सरकार बनाने की जो कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिलती हुई सीधे तौर पर नजर आई है। तो ऐसे में कई सारे फैसले होते हैं सरकार बनने के बाद में, सरकार बनने के बाद में लिहाज से मुख्यमंत्री की बात की जाए, मंत्रिमंडल की बात की जाए, ये तमाम विषय जो है वो आलाकमान के जो है संज्ञान में होते हैं और वही जो है इन पर फैसला लेता हुआ नजर आता है। स्पर्श, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कुछ सस्पेंस तो नहीं होना चाहिए, और एक चीज और कि जिस तरह से कैबिनेट में विस्तार करने की बात चल रही है, मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर हैं, इस बार का कैबिनेट विस्तार किस तरह का होगा आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के संदर्भ में हम जहां तक बात करते हैं तो मंत्रिमंडल में जो पुराने चेहरे हैं, चूंकि वो कई जो है लोग चुनाव हार गए हैं, अपना लगभग 9 मंत्री के आसपास जो है अपना चुनाव हार गया, तो ऐसे में नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और खासतौर पर जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो होते हैं, गृह मंत्रालय की बात की जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए, वित्त मंत्रालय की बात की जाए, ऐसे पोर्टफोलियो किनको मिलते हुए नजर आएंगे, इसी को लेकर लगातार दिल्ली में जो बैठकों का दौर है वो फिलहाल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली के दौरे पर हैं, और आज पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नायब सिंह सैनी जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं।